नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का विन आईएएस करंट अफेयर्स सेक्शन। मार्च अप्रैल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। इनमें से कोई भी पॉइंट्स अगर आपको लगता है कि सर इस पर्टिकुलर पॉइंट्स पे डिटेल में वीडियो बनाइए, तो उस पर प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं आपके लिए लेकर आया, डीआरडीओ ने यूवीसी ब्लास्टर बनाया है, जिसके चेयरमैन जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ का चेयरमैन है। इनने एक डिवाइस बनाया है यूवीसी ब्लास्टर, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पे से कोविड-19 को डिसइंफेक्ट करने में काम आता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एलिसा का फुल फॉर्म आपको यहां पर याद रखना है। एलिसा एक तरह का टेस्ट है जो आपकी एंटीबॉडीज टेस्ट करेगा ब्लड में। इसका फुल फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोरोना और कोविड-19 के केस में अभी काफी न्यूज में चल रहा है। एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट एजे, ये आपको एलिसा का टेस्ट याद रखना है, और ये एक तरह का टेस्ट है जो आपके ब्लड में एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करता है। थर्ड वन इज वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया गया एक मिशन है, जिसमें अनदर कंट्रीज में जो फंसे हुए लोग हैं उनको वापस अपने इंडिया में लाया जा रहा है। वंदे भारत मिशन फॉर ब्रिंगिंग बैक द स्ट्रैंडेड पीपल। स्ट्रैंडेड मतलब जो फंसे हुए हैं, जिनके पास वीजा नहीं है, खत्म हो चुका है, उनको वापस स्पेशल विमान से अपने इंडिया में लाया जा रहा है, पर्टिकुलरली अंडर द मिशन वंदे भारत मिशन। फोर्थ पॉइंट इज WHO के डायरेक्टर डॉक्टर टेड्रोस एधेनोम। ये अभी इसलिए चर्चा में क्योंकि 11 मई को इनने अपना एक स्पीच दिया था, उसमें लॉकडाउन को किस तरह से खत्म किया जाएगा या कब खत्म होगा उनके बारे में इनने काफी डिटेल में चर्चा की थी। फिफ्थ वन इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR, वेरी मच इन न्यूज, इसको बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, इसकी हर एक एक्टिविटी पे आपको ध्यान रखना होगा। ICMR अनाउंस्ड द रिसर्च कोलैबोरेशन विद द हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड BBIL, दोनों कंपनी आपको ध्यान में रखना है। ICMR गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है और हैदराबाद बेस्ड BBIL से इनने टाइप किया है कोविड-19 के वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए, कोविड-19 की वैक्सीन के लिए। और भी दुनिया के कई सारी इंस्टीट्यूट्स लगे हुए हैं इनके लिए। अगर डिटेल्ड आपको कोई वीडियो चाहिए होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट्स देखते हैं, पुलिट्जर प्राइज। अभी हाल ही में यूएस में पुलिट्जर प्राइज का डिक्लेरेशन हुआ था। पुलिट्जर प्राइज सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ये 15 जर्नलिज्म कैटेगरीज एंड 7 बुक ड्रामा एंड म्यूजिक कैटेगरीज, इसमें यह अवार्ड दिया जाता है। शुरुआत कब हुई थी इसकी, 1917 में, और कहां का प्रेस्टिजियस अवार्ड है तो बोलेंगे यूएस का। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज कश्मीरी केसर गेट्स जीआई टेक ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस टेक। ये एक तरह का टेग होता है जो भौगोलिक या ज्योग्राफिकल लोकेशंस के आधारित आधार पे प्रोडक्ट को दिया जाता है। सो कश्मीरी केसर को भी लेटेस्ट में जीआई टेक दिया गया है। जीआई टेक पे भी हम लोग काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारे आने वाले वीडियोस में। और भी जो पुराने यहाँ पर आपके कुछ प्रोडक्ट है कश्मीर से जिनको जीआई टेक मिल चुका है, वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। कश्मीरी पश्मीना, कानी शॉल्स, कश्मीरी सोजानी, इन पर्टिकुलर चीजों के नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि इनको भी जीआई टेक मिल चुका है। पश्मीना एक तरह का आपका धागा होता है, और कश्मीरी सोजानी भी आपकी एक तरह की शॉल होती है, और कानी शॉल्स आपकी शॉल्स, ये हैंडमेड शॉल्स है, हैंडमेड कश्मीरी धागे हैं। इज इट ओके और नॉट? पश्मीना आपका एक तरह का रेशम सा एक महीन धागा होता है। आई होप ये कश्मीरी केसर टेक आप लोग कश्मीरी केसर, कश्मीरी पश्मीना, कानी शॉल्स एंड कश्मीरी सोजानी जीआई टेक के लिए हमेशा याद रखेंगे। चलते हैं अपनी नेक्स्ट पॉइंट्स पे। जीआई टेक अभी मणिपुर ब्लैक राइस को भी जीआई टेक दिया गया है। मणिपुर के जो ब्लैक राइस है उनको भी जीआई टेक मिला गया है। जीआई टेक गोरखपुर के टेराकोटा, ये एंशियंट आर्ट फॉर्म है गोरखपुर से, इनको भी अभी जीआई टेक दिया गया है। सो जीआई टेक बहुत सारे प्रोडक्ट को मिलता है, तो हम लोगों को लेटेस्ट में किन पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जीआई टेक दिया गया है वो विशेषता ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। जो भी दोस्तों लॉकडाउन जो चल रहा है, लॉकडाउन मेजर्स वर इशूड अंडर द प्रोविजन ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। हमको ये चीज ध्यान में रखना है, लॉकडाउन तो सभी को पता है चल रहा है, लेकिन वो कौन से एक्ट के अंडर एस्टेब्लिश किया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। इसमें आपके दो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट आते हैं, संस्थाएं आती है, NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इन दोनों को कुछ पावर्स दिए गए कि ऐसे डिजास्टर के समय में कुछ वो कंट्रोल मेजर्स लोगों को डायरेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट इज कंसोलिडेशन ऑफ 10 पीएसबीज इनटू 4 पीएसबीज. आपके जो 10 पब्लिक सेक्टर बैंक हुआ करते थे उनको अब सिर्फ 4 पब्लिक सेक्टर बैंक में एमलगेमेशन कर दिया गया है, ठीक है ना. और कब से इफेक्टिव होगा? 1 अप्रैल 2020 से, 1 अप्रैल 2020 से वो इफेक्टिव होगा. देखते हैं कौन कौन से बैंक्स को मिला करके कौन कौन से बैंक्स में उनको भेज दिया गया. यहाँ पर जो रेड में हमने लिखा है उन पर्टिकुलर बैंक्स को मर्ज करके यहाँ पर जो ब्लू बैंक, ब्लू में जो लिखे गए उन बैंक्स में मर्ज कर दिया गया. जैसे मान लीजिए ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनियन बैंक ऑफ कॉमर्स को मर्ज करके कर दिया गया पीएनबी में, पंजाब नेशनल बैंक में. सेकेंड, सिंडिकेट बैंक को मर्ज कर दिया गया कैनरा बैंक में. अलाहाबाद बैंक को मर्ज कर दिया गया इंडियन बैंक में. आंध्र बैंक एंड कॉर्पोरेशन बैंक को मर्ज कर दिया गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में. तो इस तरह से इन 10 बैंक को मिलाकर के अब 4 बैंक रह जाएंगे, पीएनबी, केनरा बैंक, इंडियन बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया. वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, ये आपको ध्यान में रखना है. चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना. अभी लॉकडाउन के समय में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लॉन्च किया गया था. इसके तहत 1.7 लाख करोड़ रुपीज का अनाउंसमेंट हुआ था. उसमें कौन कौन से मेजर प्रोविजन है वो हम लोग देखते हैं. 50 लाख का यहाँ पर इंश्योरेंस कवर अनाउंस किया गया है. किसके लिए? पब्लिक हेल्थ वर्कर्स, जो आपके डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, जो भी आपके हेल्थ से रिलेटेड वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन कोरोना फाइटर्स हैं, उनके लिए 50 लाख का पब्लिक इंश्योरेंस कवर, इंश्योरेंस कवर 50 लाख का यहाँ पर उनको दिया गया है. नेक्स्ट इज नरेगा में जो आपका वेजेस हुआ करते थे, पहले कितना था? 182 रुपीज, उसको बढ़ा करके 202 रुपीज पर डे कर दिया गया. ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि 182 रुपीज 202 रुपीज पर डे बढ़ा दिया गया है. क्या बढ़ा दिया है? डेली वेज, जो रोज वेतन मिलता था ना मजदूरों को, उसको 182 रुपए से बढ़ा करके 202 रुपए कर दिया गया है. चलिए नेक्स्ट इज 500 रुपए अभी काफी 20.4 अप्रोक्सीमेटली करोड़ वुमेन्स के प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत जो खाते खुले थे उसमें 500 रुपए उन महिलाओं के खाते में आए हैं. आपने देखा होगा कई टीवी सीरियल्स, टीवी न्यूज चैनल्स पे आप लोगों को दिखा रहे होंगे कि महिलाओं की लंबी लंबी लाइन लगी है बैंक में से पैसे निकालने के लिए. चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग प्रोसीड करते हैं. क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सेंसस. हाँ, अभी 2021 में काफी इंपॉर्टेंट एक फिनोमिनन होना था यहाँ पर हमारे इंडिया में, और वो है सेंसस ऑफ इंडिया 2021 थ्रू आउट द कंट्री. तो इसको अभी पर्टिकुलरली इसको होल्ड पे रखा गया, या यूं कहें कि इसको हमने पोस्टपोन कर दिया है. सेंसस ऑफ इंडिया 2021 और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये एक नई चीज ये है आपको ध्यान में रखना. नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को भी इस बार एंट्री किया जाना था लेकिन उसको भी अभी पोस्टपोन कर दिया गया ड्यू टू COVID-19 कोरोना पेंडेमिक. नेक्स्ट इज द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अनाउंस द एक्सटेंशन ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज. फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज जो 2015 से 20 तक के लिए अनाउंस की गई थी उसको 1 ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया गया अप टू मार्च 31, 2021. ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज क्या होती है इसके लिए हम आपके लिए सेपरेट एक वीडियो बना करके आपको जरूर बताएंगे. नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं द डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास. ओके, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बिल यहाँ पर अनाउंस किया गया, डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास. विवाद मतलब होता है कॉन्ट्रोवर्सी, विश्वास मतलब होता है आपका कॉन्फिडेंस. सो विवाद से विश्वास बिल 2020 वाज पॉज्ड. ये बिल किनके लिए? कुछ टैक्स डिस्प्यूट्स होते हैं दोस्तों, जो लोग टैक्स भरते हैं वो पेंडिंग टैक्स जिनके होते हैं उनके कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए, उनको रिजॉल्व करने के लिए दिस पर्टिकुलर बिल इज पास. इनकम टैक्स या कॉर्पोरेशन टैक्स से रिलेटेड कई सारे मैटर्स हमारी कंट्री में चलते रहते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए, उनको स्टेप बाय स्टेप रिजॉल्व करने के लिए ये पर्टिकुलर बिल यहाँ पर लाया गया है. अनदर पॉइंट इज कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ स्कीम फॉर रिकैपिटलाइजेशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स. वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, आरआरबीज जो होते हैं इनको रिकैपिटलाइजेशन मतलब कि इनको फिर से कुछ पैसे दिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिस्क एनालिसिस. और ये आपका रिकैपिटलाइजेशन 2011 से चल रहा है, उसको एक साल के लिए और इनने कंटिन्यू किया है. कौन करता है सारी चीजें? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ये आपको ध्यान में रखना है. रीजनल रूरल बैंक्स आपके नेशनलाइज बैंक से अलग एक एंटिटी होती है. इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में आपको जानना चाहिए. नेक्स्ट इज द स्कीम इज एम्ड एट इंप्रूविंग द कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशियो CRAR. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक्स एंड रिस्क एनालिसिस. जहां पर आपको CRAR टर्म का एग्जैक्ट मीनिंग पता होना चाहिए. ऑलमोस्ट अभी आपको यहां पर यह चीज ध्यान में रखना है कि रूरल बैंक्स, आरआरबीज, कौन से आरआरबीज इसके अंडर में आएंगे,
रिकैपिटलाइजेशन के अंदर में आएंगे तो बोलेंगे आरबीआई हैज प्रिस्क्राइब्ड द मिनिमम सीआरआर ऑफ 9% टू बी मेंटेन्ड बाय द ऑल बैंक्स ऑन द ऑनगोइंग बेसिस, मतलब मिनिमम 9% उनको मेंटेन करना है, अगर वो नहीं कर पा रहे तो उनको फिर रिकैपिटलाइजेशन के दायरे में ले लिया जाएगा। सो हियर यू हैव टू मेंशन, हियर यू हैव टू रिमेंबर आरआरबीज को रिकैपिटलाइजेशन कंटिन्यू किया है, किसने किया है, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, सीआरआर कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशियो, इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है, सीआरआर का कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशियो, इसका डिटेल में क्या होता है ये हम लोग नेक्स्ट कभी भी आपको वीडियो बना करके डिटेल में इन बैंकिंग टर्मिनोलॉजी को समझाएंगे। चलिए नेक्स्ट हमारे पास कुछ पॉइंट्स और बच जाते हैं यहाँ पर, अटल ज्योति योजना, ओके इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन अटल ज्योति योजना किसके लिए होती है सबसे पहले ये जान लेते हैं, फेज टू एक्सटेंडेड, अभी इसके फेज वन और फेज टू चल रहे थे लेकिन अभी इसको और एक्सटेंड कर दिया गया, अटल ज्योति योजना फेज टू हैज बीन एक्सटेंडेड अप टू मार्च 31, 2021। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE, हाँ ये ध्यान रखिएगा ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी लॉन्च द अटल ज्योति योजना to illuminate dark regions through establishment of solar street lights. See, very important point here is solar street lights ke establishment ke liye is particular yojana ka launch kiya gaya tha. The phase 1 was implemented during September 2016 to March 2018. Phase 2 is being implemented during 2018-19 and 2019-20 aur abhi isko ek saal ke liye aur extend yahan par kar diya gaya hai. The scheme provides for the installation of solar street lighting system in the specified areas. So my dear students, आपके लिए मैं कुछ points यहाँ पर latest current affairs से लेकर के आया था, इनमें कुछ ऐसे points भी थे जिन पर detailed आपको information पता होना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप डिटेल में हमको वीडियो बनाकर समझा दीजिए, सो प्लीज कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड अगर हमारा काम पसंद आ रहा है तो लाइक करके सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को एनकरेज कीजिएगा और इंतजार कीजिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली इंफॉर्मेशन के साथ, थैंक यू।